हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टूर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज हम लोग आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कितने कॉलेज हैं, सीट्स क्या हैं, और जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके पीछे रीज़न क्या है, मीन्स रीज़न बिहाइंड द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपके पास कोई एम नहीं होगा, आप एग्ज़ामिनेशन में जाओगे, अच्छा वहाँ पर आपने पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन आप वहाँ पे मात खा जाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने छोड़ने हैं। ये वैसी ही बात है जैसे आपने बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं उसमें आप निगेटिव मार्किंग करते चले जा रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और आपके कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत कम की थी या जिन्होंने बहुत कम टाइम डिवोट किया था, और उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों ये वीडियो है, और ये वीडियो आपको ज़रूर एडवांटेज देगी एग्जामिनेशन में। बस आप थोड़ा सा विश्वास रखें और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाए। क्योंकि आप नाइपर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, तो एक तरह से फार्मा का जो ये बेस्ट कॉलेज है वो इसके ही अंडर आते हैं। तो जीपैट के बाद जो आपने जीपैट यहाँ क्वालिफाई किया, मेहनत करके आपने एक स्ट्रेटजी के अनुरूप वहाँ पे क्वालिफाई किया जीपैट को, अब आपको कोशिश करनी है कि जो नाइपर का एग्ज़ामिनेशन है इसको बहुत मैमोथ ना समझें, मींस इसको बहुत बड़ा एग्ज़ामिनेशन ना समझें, और उस पर घबराएं नहीं कि आपको टाइम नहीं मिला, आपके एग्ज़ामिनेशन हो रहे थे तो आपको इन कंपैरिजन टू अदर बच्चों के आपको वहाँ पे टाइम नहीं मिला, और इन सब चीज़ों से आप अपने अंदर निगेटिविटी ना लाइए। जो सब्सक्राइबर पहले से जुड़े हैं तो दोस्तों आप जानते होंगे कि 1.5 से 2 महीना ही मैंने बताया था कि जीपैट के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आप फर्स्ट सेम से लास्ट सेम तक वहाँ पढ़ाई कर रहे हो, वो कभी भी आपकी बेकार नहीं जानी है। हो सकता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जहाँ पे आपके 60-65% वहाँ पे आपके मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उससे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आपने अपने आप को समझा रखा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो आपके वहाँ पे आंसर भी सही निकलेंगे। क्योंकि जब हम ऑप्शनल पेपर पे ध्यान देते हैं तो वो सब्जेक्टिव से बहुत ही डिफरेंट होता है। वहाँ पे आपको ऑप्शंस होते हैं आपके सामने, और आप बराबर उन ऑप्शंस को जब देखते हो तो आपको रिकॉल करना होता है, और वो किससे आता है, कॉन्फिडेंस है। वरना जो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और बहुत अच्छा स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट भी रहा है, वो भी नहीं क्वालिफाई कर सकता एग्जामिनेशन को, क्योंकि वो वहाँ पे कंफ्यूज कर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आपके पास पर्याप्त टाइम था, आप इस चीज़ को मत सोचो कि क्या आपने किया है अभी तक। बस आप इस चीज़ को ध्यान दो कि इस 1 वीक में आपको क्या करना है, ये सारी डिटेल्स मैं अब आपको आगे बताऊँगा। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये कि जितनी भी सीटें अभी हैं इसमें, उसका 5% जो सीट्स हैं आपकी, वो आपको स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और रिप्यूटेड प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंटरप्राइजेस को जानी है। तो ये मानिए कि आपकी जितनी भी सीट हैं यहाँ पे, तो इसमें 5% सीट यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे बिट्स प्लानी वगैरह के हैं, तो उनको भी यहाँ पे जाती है, ठीक है। तो इनमें आप फाइट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो आपका MBA फार्म का कोर्स यहाँ पे, उसमें भी 5% टोटल सीट यहाँ पे NRI के लिए यहाँ पे आरक्षित हैं। अब दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं कि कितनी सीट है, कौन कौन से कॉलेज हैं, क्योंकि ये थोड़ा मैंने हर चीज़ को इतना ब्राइट वे में इसलिए किया है, एक आपके PPT में एक स्लाइड में इसलिए डाला है, ताकि आप इस चीज़ों को समझ सको कि जो कट ऑफ मैं बताऊंगा वो क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि अभी मैंने देखा कि YouTube में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिससे आपको मदद मिल सके, तो बहुत ज़रूरी था। और हमारे चैनल का यही प्रयास रहता है कि आपको अच्छी वहाँ पे मेहनत करा के भेजा जाए, ना कि आपको बहुत ज़्यादा ये कहा जाए कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वो तो आप पढ़ ही रहे हो। तो ग्रैंड टोटल ऑफ सीट्स जो हैं दोस्तों वो है 669, और ये इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, ये लास्ट मोमेंट में इंक्रीज़ भी हो सकती है, ये केवल एक एस्टिमेट टेंटेटिव यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 670 सीटें हैं, जिसके 5% सीटें जो हैं आपका जो NRI है और जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे कॉलेज कौन कौन से हैं, वो है अहमदाबाद, नाइपर अहमदाबाद है, नाइपर गुवाहाटी है, नाइपर हाजीपुर है, नाइपर हैदराबाद, नाइपर कोलकाता, नाइपर रायबरेली, नाइपर सासनगर। तो दोस्तों इन सारे कॉलेज के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर हम ये कहें कि अहमदाबाद फर्स्ट नंबर पे है या SAS नगर आपका फर्स्ट नंबर पे है, तो बिल्कुल गलत होगा। कि जैसे आपका एक कॉलेज है नाइपर हाजीपुर, तो दोस्तों ये यहाँ पे आपका सबसे अच्छा प्लेसमेंट हुआ था, ऐसा उन्होंने अपने ब्रोचर में दिखा रखा है, जहाँ पे 4.8 लाख पर एनम का
आपको वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी मिली थी किसी कैंडिडेट को, ठीक है। तो हर कॉलेज का अपना एक अलग वहाँ पे फ़ायदा है, पर ये सारे ही अच्छे हैं, जितने भी कॉलेज आपके हैं फार्मा के उन सब में ये अच्छे हैं। तो आपके नाइपर अहमदाबाद में 102 सीटें हैं, नाइपर गुवाहाटी में 65 हैं, नाइपर हाजीपुर में 48 हैं, नाइपर हैदराबाद में 135, नाइपर कोलकाता में 29 और नाइपर रायबरेली में 60 सीट्स हैं, और नाइपर सासनगर में आपका 230 सीट्स हैं, जो कि ग्रैंड टोटल ऑफ सीट्स होती है आपकी 669। फिर दोस्तों अब आपको ध्यान देना है कि जो जीपैट 2000 अभी जो हुआ था आपका, जो रिसेंट आपका जीपैट हुआ था, तो उसमें जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स थे वो 1952 क्वालिफाई हुए थे, ओबीसी कैंडिडेट्स की संख्या वहाँ पे 1103 थी, शेड्यूल कास्ट में 626 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए और फिर शेड्यूल ट्राइब में 313, जिसका आपका ग्रैंड टोटल बनता है दोस्तों 3994 अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 4000 आपके कैंडिडेट्स जीपैट में क्वालिफाई हुए हैं। ये सब चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ कैसे निकाला जाता है, कि किस एग्जामिनेशन का कट ऑफ कैसे आएगा। तो दोस्तों अब आपको ध्यान देना है इस स्लाइड में, इस स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप ये समझो कि आप जीपैट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हो, ये टोटल 4000 अप्रॉक्सीमेट कैंडिडेट्स यहाँ जीपैट क्वालिफाई किए हैं, लेकिन इसमें से आप ये बिल्कुल मान के चलो, और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आधे लड़के वहाँ पे नाइपर का एग्जामिनेशन देने नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ को जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और बहुत से ऐसे चैनल भी हैं जो आपको डीमोटिवेट करने से बाज नहीं आते, वो आपको डीमोटिवेट वहाँ पे कर देते हैं। इवन आपको खुद लगता है कि हम किसी तरह वहाँ पे पास हुए, हमने पढ़ाई नहीं की थी, हमने वहाँ पे तुक्के मारे और हम वहाँ पे क्वालिफाई कर गए, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी वहाँ पे हार जाते हैं, और जो इजी कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके फॉर्म वो भरने लगते हैं, उनको अपना जो असल में जो है वो उनको पता ही नहीं चल पाता, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल होता ही नहीं। तो इस तरह करके ये सारे जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हैं, ये आपके मैक्सिमम कैंडिडेट्स नाइपर एग्जामिनेशन देते नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एक फोबिया बैठा दिया जाता है पहले से ही कि अगर आप अपने क्लास के ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो तो वहाँ आप क्वालिफाई नहीं कर सकते नाइपर का एग्जामिनेशन। इवन जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, कि वो कैंडिडेट्स के मन में पहले बैठा देते हैं कि जो क्लास का ब्राइट स्टूडेंट है केवल वही नाइपर में जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ, ये बिल्कुल भी गलत है। ये इस एग्जामिनेशन की तो आप बात छोड़ो, जो आईएएस का एग्जामिनेशन है उसमें मैं बता दूं कि जो इस बार का टॉपर है जो आईएएस में जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, उसके भी कभी 65 और 70 परसेंटेज रहे हैं आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, मींस ग्रेजुएशन में, और वो आईएएस टॉपर है। तो ये बिल्कुल सारी बातें गलत हैं कि आप वहाँ पर नाइपर एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई कर सकते अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या बैक बेंचर हो, या अगर आप ब्राइट स्टूडेंट भी हो तो आपने रट के वो चीज़ें की है, तो ये बिल्कुल गलत है। नाइपर एग्जामिनेशन हो चाहे जीपैट एग्जामिनेशन हो, इन सब का आपके क्वालिफाई से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है और आपका लक वहाँ पे आपके साथ है, मींस आप वहाँ बहुत फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे, तो वो दिन आपके लिए बिल्कुल होगा और आप वहाँ पे सिलेक्शन पाओगे। तो दोस्तों आप ये देखो कि 3994 का अगर आप आधा कर दो तो 1997 मीन्स 2000 कैंडिडेट्स अप्रॉक्सीमेट वहाँ पे अपीयर होंगे नाइपर के एग्जामिनेशन के लिए। फिर इसमें से दोस्तों जितने आपकी सीटें हैं उसको आप डिवाइड करो तो आप पाओगे कि अप्रॉक्सीमेट 3 आएगा वहाँ पे, मीन्स एक सीट के लिए वहाँ पे 3 कैंडिडेट्स वहाँ पे कंपटीशन करेंगे। तो अब आप खुद ही देख लो कि ये एग्जामिनेशन इतना भी टफ नहीं है जितना उसका फोबिया बना के रखा गया है। ये सारे एग्जामिनेशन में ऐसा ही होता है, तो इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाया, और अभी आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कट ऑफ का। फिलहाल के लिए दोस्तों एक सीट में 3 हैं, तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम रहा है या जीपैट देने के पास आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहा है और आप सोच रहे हो कि हम इस विनिंग रेस से बाहर है, तो बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दो, और जैसे इस चीज़ को आप दिमाग से हटाओगे तो जैसे आपने इतनी बड़ी संख्या जब अपीयर हुई थी जीपैट की वहाँ क्वालिफाई कर गए, तो ये एग्जामिनेशन आपको बहुत छोटा लगने लगेगा और ये एग्जामिनेशन भी आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि एक पे 3 है। आप आसानी से थोड़ी मेहनत करिए, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप सारे जितने भी जीपैट क्वालिफाई हुए, भले आप एज में हुए हो या अपनी कैटेगरी में हुए हो, आपको इक्वली चांस है अगर आप अपने आप पे बिलीव करो और जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है बस उनका रिवीजन करके वहाँ पे आप बैठ जाओ, ठीक है।
अभी मैं ये भी बताऊंगा कि किन किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको पीछे छोड़ सकें। और दोस्तों साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इसकी काउंसलिंग आपका 2 राउंड में होती है, इवन 3 राउंड में भी जा सकती है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, ये सोचना आप बंद करिए कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में पहले बता दूं, फिर आपको कट ऑफ की तरफ ले चलूँगा। तो क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आपके 200 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिनका जो लेवल रहेगा वो बी फॉर्म और एमएससी रेलिवेंट फील्ड। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, जो दूसरे लोग नहीं बताएंगे क्योंकि उतना डीप पे नहीं जा रहे हैं। दोस्तों इस एग्जामिनेशन में आप पेपर उठा के देखो तो आपको साफ पता चलेगा कि यहाँ साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एमएससी वर्ड यूज़ किया गया है, ना कि आपका एम फार्मा का इतना बड़ा रोल है। तो आपका जो पेपर रहेगा वो सिंपल जनरल नॉलेज उसमें रहेगा, कुछ क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, और इसके बाद आपका सिंपल सिंपल वहाँ पे साइंटिफिक वे में कुछ साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी और इस पर निगेटिव मार्किंग जो है वो आपके 0.25% मार्क्स, मीन्स 1 पे 4। और जो लोग पहले सब्सक्राइबर रहे दोस्तों, उनको पता होगा कि मैंने कहा है जहाँ पे भी 1/4 मीन्स 4 गलत करने पे 1 नंबर कटता है, तो वहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आपको क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट करने हैं, और आपका जो वहाँ पे क्वालिफाइंग चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ पे भी 1/3 है या हाफ मार्क डिटेक्ट हो रहे हैं और रॉन्ग अटेम्प्ट, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सावधानी से काम करना है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 0.25 है, मीन्स 1/4, ठीक है, 1/4 है। तो यहाँ पे आपको, आप तुक्का लेने चाहें तो उसमें आपको झिझकना नहीं है। पहले आपको कोशिश करनी है कि जो आपको 2 घंटे यहाँ दिए जा रहे हैं, मीन्स 120 मिनट्स आपके पास रहेंगे, तो उसमें आपको कोशिश करनी है कि आप 1 आवर 45 मिनट तक जितना आप सही सही कर सकते हैं रिकॉल करके। रिकॉल करने का मीन्स है कि दो के बीच में कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको करते चलिए, ठीक है। मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करना है, तो जो 15 मिनट्स लास्ट के बचते हैं उसमें कोशिश आपको करना है कि मैक्सिमम आप वहाँ अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। जितना ज़्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको 4 अटेम्प्ट वहाँ मिल रहे हैं, या आप उसमें से एक भी आप सही कर लेगा तो आपका रॉन्ग का वहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो वहाँ पे इक्वल हो जाएगा। और मैक्सिमम चांसेस में रहता है कि आपका, जब आप 20 क्वेश्चन मानिए तुक्के पे मारते हो वहाँ पे, ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी कि वहाँ वो आपको पॉजिटिव में ही नंबर दे के जाएगा, ना कि निगेटिव में। ऐसी प्रोबेबिलिटी केवल 1/4 में होती है, 1/3 और हाफ में बिल्कुल नहीं होती। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब दोस्तों आपको इन जो कुछ दिन बचे हैं इनको आपको कैसे पढ़ना है, या आपको कैसे स्मार्ट बनना है कि दूसरे स्टूडेंट हैं उनको आप पीछे छोड़ सकें। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये है कि आप किताबी किले ना बनिए, ये ना सोचिए कि हम सारी चीज़ें रिवाइज़ कर जाएं जैसे हमने जीपैट में किया था। अब आपको थोड़ा हट के सोचना है, आपका पेपर ऑप्शनल है, यहाँ पे आपके सामने वो सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपने जीपैट के थ्रू पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कूल रहो, बस कोशिश करो कि 1 से 2 घंटे जो भी पढ़ो, जैसे क्लासिफिकेशन वगैरह आपने पढ़ लिया, बहुत ज़रूरी है। अब इस पेपर में जो नाइपर का पेपर है वो आपका केवल टेक्निकल आपका नॉलेज नहीं चेक करना चाहता, साथ ही साथ वो टेक्निकल के साथ ही साथ वो आपका जो जनरल अवेयरनेस है, एप्टीट्यूड है, मीन्स इंग्लिश है, आपका मैथ है, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है, रीजनिंग भी पूछ सकता है। तो इनके लिए ज़रूरी है कि अभी जैसे आपके हॉट टॉपिक, जैसे अभी आपका इलेक्शन हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि NDA की सीट कितनी आई, BJP की सीट कितनी थी, या कांग्रेस की सीट कितनी थी, तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग पता होना चाहिए। या कितनी सीटें मैक्सिमम होती हैं आपके लोकसभा इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे अब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है तो वर्ल्ड कप वीनू कहाँ है, मीन्स कौन होस्ट कर रहा है इनको, कौन कौन सी कंट्री, और पहला मैच किसके साथ होगा, और साथ ही साथ वर्ल्ड कप 2000 जो आपका 23 होगा वो कहाँ होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साइंस डिस्कवरीज में आप मेनली फोकस करोगे जब आप रिसेंट वहाँ पे GK की ओर ध्यान देते हो। साइंस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपसे मेनली बायो वगैरह के, जैसे बॉटनी हो गया, जियोलॉजी हो गया, इनके क्वेश्चन बहुत दिखाई देते हैं अब एग्जामिनेशन में। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो अब इनकी तरफ फोकस हो गया है। पहले क्या होता था कि आपका आर्ट्स के जो सब्जेक्ट थे, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबसे क्वेश्चन उठाए जाते थे, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका,
अब रिसेंट के साथ अगर आपने साइंस ऐसे की है तो आपको मेजर क्वेश्चन, अगर आपके वहाँ पे 7 से 10 क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे हैं तो आप सारे हो सकता है कि वहाँ पे सही कर जाओ। केवल आपको ज़रूरत है कि इवन अगर आप फेसबुक भी खोलते हो तो जो वहाँ की न्यूज़ आ रही है उसको एक जेन्युइन न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसके पीछे रीज़न क्या है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ऑर्गेनिक, मेडिसिनल और फार्माकोलॉजी इन तीन सब्जेक्टों में जो भी इम्पोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, इन सब चीज़ों को एक बार आप पलट के ज़रूर देख लें ताकि एग्जामिनेशन में जब आप जाएँ तो वहाँ पर घबराए नहीं, क्योंकि बच्चे इन्हीं सब्जेक्ट से बहुत घबराते हैं, मेडिसिनल और ऑर्गेनिक से खास तौर पर। फिर दोस्तों आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि मैथमेटिक्स के हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, डिस्काउंट और बोट एंड स्ट्रीम हो गया, तो इन सब चीज़ों में क्या है दोस्तों कि आपको जो फॉर्मूला है वो आपको कहीं पे मिल जाएगा, या तो आप ऑनलाइन उसको डाल दो, सर्च कर लो गूगल पे, या सिंपली इसकी बुक्स भी आती हैं इजी वे में, SSC वगैरह की बुकें आती हैं, बैंकिंग की बुकें आती हैं, तो कोई भी आप ले लो, उसके 4-5 आगे के जो पेजेस होते हैं केवल आपको वो रटने और आपका काम हो जाएगा, ना कि उस बुक को लगाना है आपको। सिंपल फॉर्मूला पे ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पे सही है कि नहीं है, केवल टेक्निकल नहीं, इसलिए इन्होंने एप्टीट्यूड भी वहाँ पे रखा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ रीजनिंग में दोस्तों आप ध्यान देना कि हो सकता है कि ये लोग जो डाइस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो पासा होता है खेलने वाला, उस पर भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैलेंडर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन सब चीज़ों का, जो एक्स्ट्रा चीज़ें इनके बारे में आपको कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, मार्केट पे नहीं मिल पा रही है, सेटिस्फाई आप नहीं हो रहे, तो आप जो व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको दिया ही हूँ और इस वीडियो में भी मैं आपको आगे सर्फस कर दूँगा, तो उस पर आप मुझे मैसेज करना, एक ग्रुप बना के उस पर मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज वगैरह हैं वो दे दूँगा, जो कि आपको बहुत मदद करेंगे। अब दोस्तों ये मेन चीज़ है जो आपके कट ऑफ, इस कट ऑफ के लिए बहुत बच्चे परेशान थे, बार बार मैसेज आ रहे थे कि ये कट ऑफ, कोई कट ऑफ बता दिया जाए और क्वेश्चन पेपर उन्हें बता दिए जाए, दे दिए जाए, या मॉक टेस्ट पेपर दे दिए जाए। तो मैं दोस्तों बताऊँ, अब आपको मॉक टेस्ट पेपर पे नहीं जाना, बल्कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करने का समय है, और ये आपकी स्क्रीन में कट ऑफ है दोस्तों। मैंने जैसे कहा कि 1/4 में आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आप यहाँ पे 200 क्वेश्चन में 120 मिनट से 165 प्लस क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो, इसका मतलब ये है कि आप 1 आवर 45 मिनट में सही सही जो क्वेश्चन करते हो, ठीक है, इसके बाद 15 मिनट में जो आप अपनी तरफ से तुक्के लगाते हो, मीन्स प्रोबेबिलिटी लेते हो, तो टोटल आपका जो स्कोर आना चाहिए, अगर 1 नंबर का यहाँ माने तो 120 से 130 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ क्वालिफाई कर जाओगे, और ये बहुत ही आसान है। इसका पेपर इवन आप ये मानिए GPAT से भी आसान आने वाला है, बस आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों वो मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस है उससे आपको बता रहा हूँ, ना कि मैं कोई बुकवॉर्म हूँ जो मैं आपको यहाँ पे केवल चीज़ें बताऊँगा दूसरों की पढ़ के, ये सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे ईजी वे है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का। इस एग्जामिनेशन को नहीं दोस्तों, इसके बाद एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का PhD प्रोग्राम भी होता है, आप उसको डायरेक्ट बी फार्मा के बेसिस में भी वहाँ क्वालिफाई कर सकते हो, और टाटा जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट से आप वहाँ पे उस जगह जाके अच्छी स्टाइपेंड के साथ आप अपना PhD कंप्लीट कर सकते हो। तो उन सब जगह के लिए क्या चाहिए कि आपको प्रिपरेशन नहीं, प्रिपरेशन से ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जितनी भी पढ़ाई की है वो सही की है, और ये बिल्कुल आपको मदद करेगी एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस एंड परसिस्टेंस आर की लाइफ, से नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ। कभी भी अपने आप को वहाँ पर छोटा ना समझिए, कभी भी मत समझिए कि आप गलती से उस स्थान में आए हैं जहाँ पे आप हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ पे सक्सेस होंगे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी है आपको, मतलब कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, या कोई चीज़ आपके मन में डाउट है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, या तो इस वीडियो में आप नीचे कमेंट करिए, या जो व्हाट्सएप है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, आपको भी बिल्कुल जेन्युइन रिप्लाई वहाँ मिलेगा। बस कोशिश करिएगा दोस्तों कि वहाँ कॉल मत करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बिज़ी रहता हूँ, फिर कॉल आता है तो फिर मुझे वहाँ पर दिक्कत होती है। ये वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा, जो फार्मा के और भी बच्चे हैं उनको भी इस ग्रुप में लाइएगा जो हमारा डूअर चैनल है, ताकि जो हमारी फैमिली और बढ़े। थोड़ा सा मेहनत मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आप भी अपनी तरफ से थोड़ा मेहनत करिए, ताकि जो आपके नए नए बच्चे हैं, जैसे आपने GPAT क्वालिफाई किया है, ठीक है, कभी आपको भी लगता रहा होगा कि एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट है, बिना कोचिंग के नहीं हो सकता है,
तो ये एग्जामिनेशन हो सकता है, आप समझते हो इस चीज़ को क्योंकि आप उस फेज से गुजरे हो। तो इसी तरह उन बच्चों को भी लाइए, ये चैनल भी बढ़ेगा, हमारी फैमिली भी बढ़ेगी और दोस्तों किसी की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।